लगातार जारी है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां उज्जैन पुलिस ने दो अलग अलग महिलाओं की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने दोनों हत्याओं का खुलासा करते हुए बताया कि घटिया पुलिस ने मालीखेड़ी गांव संजय कुंवर नामक महिला की खून से लथपथ शव को उसके ही घर से बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति को गिरफ्तार किया। वही नागजीरी पुलिस ने शनि मंदिर के समीप त्रिवेणी नदी से शव जब्त किया, जिसकी पहचान पवासा से रहने वाली रचना टिपानिया के रूप में हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर महिला के पति गोकुल को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया है। दो हत्या की घटनाएं जिले में एक साथ हुई थी। इसमें घटिया थाना क्षेत्र में मालीखेड़ी गांव में एक महिला है, श्रीमती जयकुंवर राजपूत, 26 साल की हैं। इनकी करीब 4 साल पहले कोरोना के दौरान शादी हुई थी। पारिवारिक विवाद, चरित्र शंका के चलते इनके पति ने ही इनकी हत्या की है। जो लट से हत्या की गई है वो उनके घर से बरामद किया गया, पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिमिलरली एक केस, ये थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील था, क्योंकि जो पति, जो सुबह सूचना मिली थी कि त्रिवेणी, जो शिप्रा नदी त्रिवेणी घाट है, वहाँ पर एक छोटे पुल के पास एक बॉडी जो तैर रही है, उसको जब बॉडी को निकाला गया तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसको बोरी में पैक करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। मामला बहुत संवेदनशील था, इसमें कई टीम्स बनाई गई। हमारे एडिशनल एसपी साहब, दोनों सीएसपी, सभी थाना प्रभारी, इन्होंने मिलकर पूरे जगह जगह के सीसीटीवी कैमरा निकाले। तभी पवासा में एक इनके पति ने एक अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो हुलिया बताया गया तो वो पता चला कि इनसे मेलजोल खाता हुआ था। तत्काल थाना प्रभारी पवासा पति को लेकर मौके पर पहुंचे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूला कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या की थी। उसके बाद दोनों साथियों के साथ ई रिक्शा के माध्यम से पहले हाथ पैर बांधे और बोरी में भरकर उस बॉडी को डिस्पोज किया शिप्रा नदी में। पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारी टीमें दोनों आरोप जो दो सहयोगी हैं उनके लिए लगी है और उनको भी रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो ई रिक्शा है उसका भी हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें तीनों दिख रहे हैं, तो उसको भी एविडेंस के लिए हम लोगों ने कलेक्ट किया है। साथ ही जो भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं हैं वो भी इसमें समायोजित की गई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए जयपुर से उज्जैन पहुंची ज्योतिषाचार्य उर्मिला अग्रवाल ने महाकालेश्वर मंदिर में 56,000 से अधिक की 3 घंटियां भेंट की है। मुरली मनोहर जोशी महेश जोशी ने बताया है कि जयपुर की ज्योतिषाचार्य उर्मिला अग्रवाल बाबा महाकाल की अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने 20-20 किलो से अधिक वजनीय 3 घंटियां महाकाल मंदिर में संध्या आरती के दौरान भेंट की है। इन घंटियों को गर्भगृह के समीप नंदी हॉल में लगाया गया है। भगवान महाकाल की सभी आरतियों में इनका उपयोग होगा। महाकाल मंदिर की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल द्वारा उर्मिला अग्रवाल का सम्मान किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। अलग अलग जगह पर लोग अपनी गुरु के प्रति समर्पण भाव अर्पित करते हैं। इसी के चलते त्रिवेणी संग्रहालय में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और वेणुनानंद निदान संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है, जिसके बाद संस्था की 108 बालिकाओं द्वारा भगवान की 108 लीलाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर गुरु के प्रति अपनी समर्पण भावना प्रेक्षित की। इस दौरान विक्रम विश्वविद्यालय के सदस्य और कवि के साथ शहर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ एवं वेणुनाथ निनाद संस्थान ने मिलकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन करा है, जिसमें बच्चों ने ठाकुर जी की लीलाओं पर लाइव प्रस्तुति करी है, जो कि 108 बालिकाओं ने करी है, जिसे हम राग सेवा कहते हैं कि भगवान की माला करते हुए उसमें 108 मोती होते हैं, तो वैसे ही हमने आज 108 मोतियों से अपनी नृत्य प्रस्तुति करी है। और साथ ही भोपाल की अंतर्राष्ट्रीय ख्यात नृत्यांगना वी अनुराधा सिंह को हमने गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया है।